एक खा लो, दो खा लो, तीन खा लो, फिर भी आपका पेट भर जाएगा, मर मन नहीं भरेगा, इतना लाजवाब बर्गर है। तो रही हम पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर कहाँ है, हम बठिंडा शहर के अंदर है। तो ये कार्ट दिखाते हैं सबसे बढ़िया सी, ये प्यारी सी कार्ट है, मोटरसाइकिल के ऊपर सेटअप कर रखा है। और यहाँ पे जो चीज़ मिलती है ना, मैंने सुना है कि इनके यहाँ पे एक बर्गर मिलता है जो ग्रेवी के साथ दिया जाता है। ये पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। कितने साल हो गए पाजी यहाँ से? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। हाँ जी। स्पेशलिटी क्या आपकी? पापा ही होते हैं। अच्छा, पापा ने स्टार्ट किया था। हाँ जी। आपकी स्पेशलिटी की है? हमारा सर ग्रेवी बर्गर स्पेशल है। ग्रेवी बर्गर है। लोकेशन थोड़ी समझाओ, कितने पैंदी है थोड़ी? अपना ही माल रोड गोल डिग्गी नियर पेट्रोल पंप। नियर पेट्रोल पंप। हाँ जी। तो लगाओ साढ़े लिए एक बर्गर। तो भाई ये देखो, ये ग्रेवी बना के रखी हुई है इन्होंने, अब प्रिपरेशन पूरी दिखाएंगे। ये पतीला सा जो रखा हुआ है ना, इसके अंदर पड़ी हैं इनकी टिक्कियाँ, जो इनकी टिक्कियाँ ना बड़ी स्पेशल टिक्कियाँ, आलू की और मूंगी दाल की, माँ मूंगी की दाल और आलू की टिक्की है। और वो देखो अंकल जी वहाँ से प्रेस कर रहे हैं, और इसी तरह जाती है तेल के अंदर फ्राई होने के लिए। ये देखो, अब पूरा अपना बर्गर लगवाएंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, मजा आएगा। सबसे पहले बन को फ्राई किया जाता है। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी ग्रेवी बर्गर, वो दिल्ली के अंदर दिखाई थी काला बर्गर वालों की, और पंजाब के अंदर मेरे को पहली दुकान मिली है जहाँ पे ग्रेवी बर्गर मिलता हो। भाई ये ग्रेवी किस चीज़ की होती है? सारी सब्जियाँ ग्राइंड करके वगैरह। अच्छा। सारी मिक्स करके होती है, मशरूम, शिमला मिर्च, गोभी। भाई ये स्टार्ट होने लगी है बर्गर की प्रिपरेशन। ये बन आ गया जो जिसको फ्राई करके दिया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ी सी लगाएंगे जी ग्रेवी इसके साथ। ओए होए होए, ग्रेवी चटनी। ये आ गई जी टिक्की, मूंग की दाल की टिक्की, आलू, माँ मूंग की दाल, आलू और माँ की दाल। हाँ जी। तो भाई बड़ी जगह आपने बर्गर खाया होगा, सिर्फ आलू की टिक्की होती है। ये बता रहे हैं कि इनकी जो टिक्की है ना, आलू और माँ की दाल की टिक्की होती है। ऊपर से और ग्रेवी आ गई, और साथ में आ गया जी ये क्रीम रेडी। ये देखो जी क्या बात है जी। भाजी प्राइस कितना होता है दा? 50 रुपीज़। हाँ जी। अच्छा, टाइमिंग की होता है अपनी दुकान दे? टाइमिंग सर्दियों में 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, गर्मियों में 4:30 से लेके 10 बजे तक। ठीक है। तो भाई ये देखो जी, ये बर्गर है ग्रेवी बर्गर। बठिंडा के अंदर इतनी सारी रिकमेंडेशन आई थी इनके बर्गर की, इतनी सारी रिकमेंडेशन आई थी। जब रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आने लग जाए ना, समझो कि यार चीज़ में कुछ है दम। तो मैं टेस्ट करता हूँ। ओए होए होए होए। तो भाई अपने चैनल के ऊपर ना हमने बड़े सारे बर्गर दिखाए हैं, पनीर से लेके आलू टिक्की से लेके चिकन बर्गर, मटन बर्गर सब दिखाए हैं। जो ऐसा बर्गर ना आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा बर्गर है, शानदार है, लाजवाब है, मज़ेदार है। एक खा लो, दो खा लो, तीन खा लो, फिर भी आपका पेट भर जाएगा, मर मन नहीं भरेगा, इतना लाजवाब बर्गर है। तो इसकी ग्रेवी है ना, सारा कमाल ग्रेवी का है। ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि जैसे पाव भाजी की भाजी नहीं होती वैसा टेस्ट है, बट थोड़ी अलग है उससे। तो भाई ये देखो जी, बर्गर हो गया ड्राई एकदम, और ये भाजी के पास जाएंगे, मेरे को अभी पता चला। भाजी ग्रेवी डालो थोड़ी इसमें, ग्रेवी डाल दी और ऊपर से, क्या बात है जी। जैसे स्कूटर में पेट्रोल डाल दिया जाता है ना, उसी तरह का काम कर रहा है ये बर्गर। ग्रेवी डाल दी है, रिफिल दोबारा कर दिया है। जो कमाल है ना कि टिक्की और इसकी जो ग्रेवी है, उस चीज़ का कमाल है। तो इनके यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ आपकी, अभी थोड़े दिन बाद सर्दियाँ चालू हो जाएंगी, वैसे तो इनके पास 12 महीने सूप मिलता है। इनके सूप भी बड़े शानदार है, मेरे को शहर वालों ने बताया था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। भाई मैं इसको एंजॉय करता हूँ, आपको एंजॉय करना ना तो यहाँ पे आना पड़ेगा। बठिंडे में आए हो या बठिंडा के रहने वाले हो, आई एम श्योर आपने इनका खाया होगा। कटीमेट जाएगा, शानदार, लाजवाब, जो बोलूँ वो कम है इसके लिए। तो मैं एंजॉय करता हूँ, आपको एंजॉय करना है, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ का फोन नंबर, यहाँ की गूगल लोकेशन आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हो फॉलो कर लेना। इस तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।